بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن صلى الله عليه وسلم आज अल्हम्दुलिल्लाह आप एक मरतबा फिर अमीर भाई पॉपकॉर्न वाले जो हमारे साथ पंजाब से इनका ताल्लुक है और एक बेहतरीन ट्रेनर एक उस्ताद जो कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत हैं आज मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे एक खास तौर पे जो कि ये फ्रीलांसिंग की जो बेसिक नॉलेज के साथ साथ हम किस तरीके से जल्द अज जल्द वो हमारे जो मिडिल क्लास बच्चे जो सीख रहे हैं पहला फाइवर सीख रहे हो या मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग के बेसिक कोर्स कर रहे हो वो कितनी जल्दी अर्निंग कर सकते हैं आज इसके बारे में इनसे जानेंगे और साथ साथ इनकी जो जर्नी वो आप सुनते भी रहे थोड़ा और भी सुनेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इस नतीजे पहुंच सकेंगे कि ऐसे जब लोग कामयाब होते हैं तो सिर्फ खुद कामयाब नहीं होते बल्कि औरों को कामयाब बनाने वाले बन जाते हैं। तो अमीर भाई का नाम भी इसमें क्लैपिंग हो जाए सारे मिलकर क्लैपिंग कर जरा। तो अब मैं अमीर भाई से गुजारिश करूंगा कि आप अपना मकसद तारुफ करते हुए जो आप जिस मकसद के लिए यहाँ आए उसको भी बोला फरमा जो आप अल्लाह तौर फिदा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अमीर बापकर वाला है, रहीम यार खान पंजाब पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। मैं एक फ्रीलांसर हूं और इसके साथ साथ एक ऑनलाइन टीचर भी हूं। मेरा मकसद पाकिस्तान से गुरबत का खात्मा है और ये जो मेरा मकसद है ये मेरे मेंटरों की वजह से है जिनका नाम रेहान अल्लावा। क्योंकि किसी भी इंसान को यहां जीने के लिए अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे की जरूरत है, ठीक है, और जिस तरह से वक्त बदला पैसे कमाने के तरीके भी बदल गए। क्योंकि आपने मेरे नाम के साथ देखा है कि मेरा नाम है अमीर पॉपकॉर्न वाला, तो पॉपकॉर्न वाला से आप सीधी सीधी मुराद ले सकते हैं कि मैं एक पॉपकॉर्न वाला था, ठीक है, जो कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके करिया करिया जाके मैं पॉपकॉर्न सेल करता था। उससे पहले भी मैंने ढेर सारे काम किए, 2011 से लेके और 2021 तक मैंने बहुत मेहनत की है 10 साल। उसके अंदर मैंने चाय भी बेची है, मैंने टॉप शॉप के ऊपर डिफरेंट किस्म की बिस्किट बेचे हैं, बॉटल्स बेची हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं चलता गया, मैं आइसक्रीम्स भी सेल की, यानी कि क्योंकि हालात डिफरेंट थे तो मेहनत तो करनी थी, अपने हालात को बदलना चाहता था। जिन लोगों से ताल्लुक था वो जरा गाड़ी वाड़ी वाले थे, पैसे वैसे वाले थे, तो उनसे इंस्पिरेशन भी मिल रही थी मुझे साथ साथ। तो करते 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 कोविड आया, मेरा बिजनेस खत्म हो गया जो पॉपकॉर्न का बिजनेस था। तो फिर मैं ऐसी तलाश में चल निकला कि कुछ ऐसा हो कि जिससे मैं बहुत खुशहाल हो सकूं। अमीर ये क्या चीज है, 10 साल से तुम लगे हुए हो, कोई आसानियों के बजाय ज्यादा से ज्यादा परेशान होते हुए चले जा रहे। तो मुझे फ्रीलांसिंग का पता चला, मैंने सर रेहान अल्लाह वाला की एक दिन वीडियो देखी और उनको मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। उनको फॉलो करते करते उन्होंने मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में बताया कि हमें एक फ्रीलांसिंग नाम की भी कोई चीज होती है और अब तो आप मोबाइल फोन की वजह से भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि कैनवा के जरिए आप डिजाइनिंग करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से पैसे बनाना शुरू कर देते। फिर हुआ यूं कि मैंने फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखा, जो कि बिल्कुल मुझे नाम भी नहीं आता था फ्रीलांसिंग का। होते होते मैंने इसके अंदर बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की, वो जो कैनवा सीखा उसके बाद मैंने डिजाइनिंग उसकी सेल करना शुरू कर दी। सर रेहान ने कहा कि इसके बारे में वीडियोस बनाओ, मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी।
तो होते होते मैंने कैनवा से बहुत ज्यादा पैसे बनाना शुरू कर दिए। तो पैसे मेरे बनना शुरू हो गए, मैं खुशहाल होना शुरू हो गया, सारी चीजें जो है वो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो गए। तो क्योंकि सर रिहान अल्लाह वाला का मकसद है कि वो ऐसे लोग पैदा करना चाहते हैं कि जो आगे लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाएं, तो उस बिना पे मैंने फ्रीलांसिंग को पढ़ाना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक के कायनात का बेहद एहसान है कि लोग जॉब पर जॉब जो है वो आने लगे, क्योंकि हर बंदे को पैसे चाहिए। और अगर आप दिल से पढ़ाते हैं, तवज्जो से पढ़ाते हैं, तो लोग आते हैं टेस्टिमोनियल सुन के। तो फिर मैंने फैसला किया इसी बिहार पे कि एक मैं ऐसा ऑनलाइन स्कूल बनाऊं जो लोगों को घर बैठे, जिस तरह मैंने पैसे बनाना सीखा, वो लोग भी मोबाइल फोन की मदद से पैसे बनाना शुरू करें, जिसका नाम अमीर पापकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल रखा गया। ठीक है, तो स्कूल का मकसद भी वही था जो जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूं, जिस गुर्बत से मैं गुजरा हूं, मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग ना गुजरे। तो इसलिए मैंने ये स्कूल बनाया है जिसका मकसद है कि पाकिस्तान के लोग अपने घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से ऑनलाइन फ्रीलांसिंग सीख के, ऑनलाइन काम करना सीख के पैसे बनाना शुरू करें। ठीक है, सो अली भाई चलाइएगा वो जो स्लाइड है, बस उधर। सो अब आपके सामने मैंने एक स्लाइड शेयर की है कि फ्रीलांसिंग अल्लाह पाक की नेमतों में से एक खास नेमत है। ठीक है, कैसे खास नेमत है मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये कितनी खास नेमत है। जब मैं हॉस्पिटल के सामने गर्मी के अंदर तेज धूप के अंदर चाय सिलेंडर के सामने बनाता था, और अब मैं घर बैठे आराम से पैसे बनाता हूं, तो मुझे तो बड़ा अच्छे से पता है कि फ्रीलांसिंग अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। तेज गर्मी के अंदर बगैर मैं कोई, आप मेरे शेप से लगा सकते हैं अंदाजा कि मैं आपको सेहतमंद बता रही हूं, ठीक है, लेकिन वॉल्स आइसक्रीम जून जुलाई के महीनों के अंदर गलियों में महल्लों में जाकर पैसे बनाना, और अब घर की टेबल पे पंखे के नीचे कोई मैटर नहीं करता, आपने बनियान पहनी हुई है कि निकर पहनी हुई है कि पजामा पहना हुआ है, और आप पैसे बना रहे, तो कितनी बड़ी नेमत है। इसका इदराक आप ना कर सके, लेकिन मुझे बड़े अच्छे से। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि फ्रीलांसिंग अल्लाह पाक की अता करदा नियमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। इसका जायका जो है ना वो जरूर जरूर जो है ना वो चखना चाहिए। स्लाइड टू कर। अच्छा, अब करनी क्यों है फ्रीलांसिंग? ठीक है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, हमारी जिंदगी का कोई ना कोई तो मकसद होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने फ्रीलांसिंग क्यों की, मैं अपनी भूख मिटाना चाहता था, मैं अपनी गुर्बत को मिटाना चाहता था। ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम से मुझे फेस करना पड़ रही थी, मैं उसको मिटाना चाहता था। मेरे बच्चे मेरे सामने भूखे रोते थे भाई। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स जो है मैं खत्म करना चाहता हूं। सो अगर आप भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपकी जिंदगी का कोई ना कोई ड्रीम होना चाहिए, आपकी जिंदगी का कोई ना कोई जो है वो ड्रीम होना चाहिए। अगर ड्रीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर ख्वाब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं कराची जाने का इरादा ना होता तो फिर टिकट भी बुक नहीं होनी थी, फिर मैंने गाड़ी में भी नहीं बैठना, फिर मैंने यहां भी नहीं पहुंचना। इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में कोई ख्वाब ही नहीं है तो फिर वो पूरे भी नहीं होंगे, और हमारे 99% लोगों को ख्वाब ही नहीं है। जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं तुम्हारा क्या ख्वाब है, वो कहते हैं सर जी वो क्या होता है, बस ठीक है, रोटी पानी चल रही है, गुजारा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है,
अच्छी बात है, शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन बेसिकली ये शुक्र तो नहीं होता। तो ड्रीम्स जो होते हैं वो देखना जरूरी है, ये आपको ड्राइव करते हैं, ये आपका ड्राइवर होते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आज से अपने ख्वाब बना लीजिए। ख्वाब नंबर 1 कि मेरे बच्चे अच्छा खाएं, अच्छा पिए, जब उनका दिल करे, आधी रात को दिल करे, मैं उसके लिए वो चीजें ला के दूं, मैं मुहैया कर सकूं। पैसे को मेरे मुहैया कर देंगे आप? अपने पास पैसे होंगे तो आप डेफिनेटली मुहैया कर देंगे उन्हें, अगर पैसे नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपका ख्वाब होना चाहिए कि मैं अपनी अम्मा का जो है ना वो इलाज करवा सकूं, जब वो बीमार हो मैं अपने वालिद का अच्छा इलाज करवा सकूं, ना कि वो जो लोकल बेकार हॉस्पिटल है उनमें धक्के खाते रहे। ये भी ख्वाब। आप अपने बच्चों की अच्छी तालीम का आपके पास ख्वाब होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ कोई बहुत बड़ा ना घर, तो एक किनार का घर का ख्वाब तो देखे कम अज कम, किसके अंदर लॉन शान हो, मैं बैठू, मेरे दोस्त आए, मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे उसके अंदर, थोड़ा सा ग्रासी प्लाट हो उसके अंदर, मेरे बच्चे बैडमिंटन खेले या वॉलीबॉल खेले, ठीक है। तो इन ख्वाबों को देखना जरूरी। अगर आप ख्वाब नहीं देखेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे, फिर आप किसी भी फील्ड के अंदर जो है कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो ये मेरे कुछ ड्रीम्स लिखे हैं, तो आपके भी ड्रीम्स होने चाहिए कि हेल्दी फूड मैं अपने बच्चों को मुहैया कर सकूं, मेरी फैमिली बहुत खुशबाश रहे, खुशहाल रहे, मैं उनकी सारी जरूरतें पूरा कर सकूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं, और मेरे पास एक गाड़ी भी होनी चाहिए। क्या आपका हक नहीं है गाड़ी रखने का? नहीं, थैंक यू सर, ऐसी बात है, ठीक है। गाड़ी वाड़ी का भी ख्वाब हो और पैसे भी खुले हो। फिर उसके बाद आखिरी, आपके पास इतने पैसे हो कि आप लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ हो। जो नॉर्मल बंदा होता है जिसके पास पैसे नहीं होते ना, उसका खलूस देगा, उसकी मोहब्बत को कोई वैल्यू नहीं देगा। आप मोहब्बत करेंगे वो कहेगा इसको कोई मकसद है, ये पता नहीं किधर डज मारेगा मुझे, ऐसे है ना। आप किसी का अदब करेंगे वो कहेंगे लगदा वाइस अदब के बारे में पैसे मांगेंगे। पंजाबी समझ आती है नहीं आती? कि ये जो अदब कर रहा है, ये जो मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, इसका कोई मकसद है या भी मुझसे पैसे मांगेगा? तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका कोई खलूस का कोई खरीदार नहीं होगा, आपकी मोहब्बत का कोई खरीदार नहीं। अब रिस्पेक्ट करेंगे वो कहेगा इसको कोई मकसद है। तो आप देने वाला हाथ बन जाए, जब आप किसी को पैसे देंगे ना वो कहेगा यार बहुत अच्छा बंदा, ये बहुत नेक बंदा है ना, अरे कहते ना यार ये आप किसी से हंस के बोलेंगे नहीं यार कितना अच्छा बंदा है ये हर टाइम उसको मुस्कुराता ही रहता है, हंस के मिलता है, ऐसे कोई मकसद ही नहीं है। बस जब उसके पास पैसे होंगे तो उसे किसी से क्या मकसद, ठीक है, वो खुश रहे। तो ये ड्रीम्स अगर आपके पास हैं तो फिर आप जो है अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी की तरफ जो है वो दौड़ना शुरू हो जाएंगे। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, जो आप अपनी जिंदगी के बारे में गुमान रखते हैं वो चीजें आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाती है। वह शेर है ना, जब से मैंने तुम्हें पाने की ख्वाहिश की हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आप कोशिश करेंगे अच्छी गाड़ी की, अल्लाह में आपको भी दे देंगे। अगर आप कोशिश करेंगे कि मेरे पास अच्छे पैसे हो, अल्लाह में आपको भी दे देंगे। अब एक बंदा मांगे ही ना, अल्लाह में कहते ठीक है इसको जरूर नहीं, मैं भी नहीं देता है क्या नहीं। तो ये विशेष जो है ना वो देखना, ये विशेष रखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, मैं अभी मेरे पास डायरी नहीं दिखाऊं, मेरी जितनी भी आगे की विशेष है वो डायरी के पहले पेज के ऊपर लिखी है, मेरे कमरे के ऊपर इतने बड़े बड़े चार्ट बन के लिखे हैं कि मैंने 2025 में क्या करना है।
जैसे मैंने गाड़ी लेनी है उसका भी मैंने फोटो लगाया हुआ, ठीक है। तो क्या होता है, इंस्पिरेशन मिलती है। जब तक आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, आप किसी चीज से इंस्पायर नहीं होंगे, वो चीज आपको कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने कभी चाहा ही नहीं, ठीक है। तो विशेष रखना बहुत बहुत जरूरी है, ख्वाब देखना बहुत जरूरी है। ये सवाल लिखा हुआ है कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो आप क्या तीन चीजें मांगेंगे। बेसिकली ये आपके ये जो माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए सवाल लिखा गया है, ताकि आपके अंदर विशेष पैदा, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, आप लोग यहां पे आए हैं, अब आपने डिसाइड कर लिया मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, मैंने पैसे बनाने हैं, और अपने आप को एक कामयाब फ्रीलांसर देख रहे हैं कि जैसे वो भाई सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। भाई सोफे के ऊपर बड़े मजे से बैठे हुए, ऐसे वैसे चल रहा है, क्लाइंट का काम इन्होंने करके दे दिया, उसके पास पैसे आ गए। यहां पे जितने लोग हैं उनका ये ख्वाब होगा, यहां पे जितने लोग बैठे हुए हैं ये ख्वाब होगा कि एक दिन आएगा मैं सोफे पर बैठा हुआ आऊंगा, मैंने क्लाइंट का काम करके दे दिया होगा, डॉलर मेरे पास आ जाएंगे और मैं चिल करूंगा। इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए इसकी एक बुनियाद है, इसकी एक बुनियाद है। वो बुनियाद ये है कि आपने क्लाइंट को काम करके दे दिया, उससे पैसे ले लिए, एसी के नीचे घर में आराम से बैठे हैं, तो उसकी बुनियाद ये है कि आपके पास आपको वो सर्विस बेचनी तो आती हो, वो क्लाइंट को जो आपने बेचा था पैसे बनाए थे, उससे पहले बेचने से पहले आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट किया होगा। तो बेच देने की बुनियाद है कि आपको बेचना आता हो, आपको सेल करना आता हो, आपको बात करनी आती हो,